भिवाड़ी शहर अंतर्गत आने वाले भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के पेट्रोल पंप पर लगभग 18 सालों से काम कर रहे कर्मचारियों को नवनियुक्त सुजीत मुखर्जी द्वारा बिना इत्तला किए निष्कासित कर दिया गया, जिसके चलते निष्कासित कर्मचारियों ने मनसे कार्यकर्ताओं की सहायता से सिविल लाइन स्थित BPCL के मुख्य कार्यालय में ज्ञापन सौंपा और पुनः नौकरी पर लेने की मांग की। वाड़ी क्षेत्र के BPCL पेट्रोल पंप पर सुजीत मुखर्जी को पेट्रोल पंप सौंपने के बाद 17 लोगों को बिना नोटिस के निष्कासित कर दिया गया, जिसके कारण आज उनके उदर निर्वाह पर प्रश्न चिन्ह उपस्थित हो रहा है, जिसके तुरंत बाद नए कर्मचारियों की भर्ती वाड़ी पेट्रोल पंप पर की गई, जो कम वेतन में काम कर रहे हैं। कई बार आंदोलन और आवेदन करने पर भी 18 सालों से निष्ठा से काम कर रहे इन गरीब कर्मचारियों की नहीं सुनी गई, जिसके चलते इन कर्मचारियों ने मनसे पदाधिकारियों की सहायता से BPCL के मुख्य कार्यालय में ज्ञापन सौंपा और जल्द ही नौकरी पर वापस लेने की मांग की, पर वहां से भी बिना सर पैर का जवाब मिला, जहां उन्होंने बताया कि इन कर्मचारियों को नई नीति द्वारा वेतन दिया जाएगा। और मेरे को बिना नोटिस दिए निकाल दिया गया है। कब निकाला था? मेरे को 3 अप्रैल पहले निकाला था, इसके बाद 10 दिन के लिए मेरे को फिर से रखे गए, इसके बाद फिर निकाल दिए, बोले काम नहीं करते इनको निकाल दिया जाए। और उसमें 10-10 हज़ार की लड़कियां लड़के भर्ती किए दोबारा, 12 से 14 लड़की 12 लड़की और 5-6 लड़कियों को नया भर्ती किया गया है। ये सुजीत मुखर्जी ने हम लोगों के साथ, हमारे बच्चे भूखे हैं, परेशान हैं, हम लोगों के बच्चों के साथ पढ़ाई का वो था, हम लोगों ने अपने गहने वहने सब बेच दिए और बच्चों को कैसा करके मतलब पढ़ा रहे हैं, भूखे बच्चे सो रहे हैं, नमक रोटी खा के अपन जिंदगी जो है व्यतीत कर रहे हैं। आज मैं मिला यहाँ पे आया तो यहाँ के बड़े साहब लोग सब बोल रहे हैं कि आप लोगों को यहाँ से नहीं लिया जाएगा, अभी आप लोगों को नया कॉन्ट्रैक्टर आया है तो वो अपने हिसाब से रखेंगे, आपको ऐसा नियम है कि आपको नहीं रखा जाएगा यहाँ, दूसरे पेट्रोल पंप में आपको वो करेंगे। 5-6 हज़ार रुपये का जो पेट्रोल पंप है उसमें अपने को बोल रहे हैं कि वहाँ पे रखेंगे, आश्वासन दे रहे हैं लेकिन रखेंगे नहीं। वो वाड़ी शहरातील BPCL विभागाचा एक पेट्रोल पंप होता, त्या पेट्रोल पंपावर अनेक दिवसापासून काही 6-7 कर्मचाऱ्यांना टर्मिनेट करण्यात आलेलं होतं विदाउट नोटीस, आणि नवीन कॉन्ट्रॅक्टर नेमल्यावरून तो वाद तिथे होत होता। आमचे वाडीतले स्थानिक पदाधिकारी हे वारंवार ह्या इकडे निवेदन आणि आंदोलन करत होते, आज त्यावरून काही उद्भव असा निर्माण झाला की पोलीस विभागाला मध्यस्थी करावी लागली, आम्हाला भेटायला बोलवलं आणि नंतर त्यांनी आणीबंदीची परिस्थिती उत्पन्न केली का बाबा नाही आता आम्ही दोनच लोकांना भेटणार, असा वाद निर्माण झाला आणि पोलीस विभागाचे कर्मचारी ते आले, त्यानंतर त्यांनी पोलीस विभागातला एक कर्मचारी किंवा असे भूमिका संबंधित लोकांनी रेड्डी म्हणून तिथले जे GM आहेत त्यांनी घेतली, त्यानंतर त्या लोकांना वापस घेण्याकरिता आमच्या प्रतिनिधीमंडळाला भेटण्यासाठी माननीय पोलीस निरीक्षक मेंढे साहेबांनी आज जाऊन बोलणी केली आणि त्यांना सांगितलं बाबा ठीक आहे तुम्ही यांना भेटावं, आणि मग आम्हाला त्या लोक भेटलेत आणि पोलीस विभागाच्या पुढाकाराने हँडिकॅप जी 2 लोक आहेत त्यांना घेण्यात येईल लवकरात लवकर आणि उर्वरित लोकांना अर्धा जागी देऊ असं त्यांनी आम्हाला आश्वासन दिले। 17 लोकांना केलं होतं यापूर्वी आंदोलनामुळे, 10 लोकांना घेतलेलं आहे, 6 लोकांना त्यांनी बाकी होतं तर त्या 6 लोकांना घ्यायचा प्रश्न होता, आज तो निपटलेला, त्यांनी सांगितलं आम्ही येत्या महिन्याभरात घेऊ। NBC न्यूज के लिए कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ मनीष टेमरे की रिपोर्ट।